बैंगन एक प्रमुख सब्जी है जो झारखंड के लिए, और इसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा रहता है हर मौसम में। ख़ास तौर पे इनका जो डिमांड है वो एरिया वाइज है, और ये तीन तरह के होते हैं। एक गोला बैंगन होता है जो कि काफ़ी लोकप्रिय होता है भरता के लिए, और एक लंबा होता है और एक मीडियम साइज का होता है। और किसान भाइयों, इनका जो चुनाव जो किया जाता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि उस मार्केट में किस तरह के बैंगन का डिमांड है, और ख़ास तौर पर उनका रंग भी, उनके जो आकार है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। और ये काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है, और ये सालों भर इसकी खेती कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जुलाई और अगस्त में इसके बीज को हम लगाते हैं पौधशाला में। इसके लिए किसान भाइयों, पहला है कि अच्छे तरह से मिट्टी का जो है हम चुनाव करते हैं, ऐसा मिट्टी जहाँ पे जल जमाव नहीं हो, और ऐसे मिट्टी जिसमें उर्वरक क्षमता अच्छे हो। तो ये हम लोग सलाह देते हैं कि पहले बैंगन की खेती करने से पहले कोशिश करें कि मिट्टी का मृदा परीक्षण करवा लें। इसकी खेती के लिए लाल मिट्टी, रेतीली दोमट और चिकनी मिट्टी अच्छी होती है, जिसमें जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो। भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। जिस खेत का चयन करें उसकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक और जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मृदा परीक्षण के अनुसार यदि हम लोग खेती करते हैं तो उनका उत्पाद अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे इनमें जो प्रभेद जो लिया जाता है उसमें स्वर्ण श्री एक प्रभेद है, और स्वर्ण मणि ये बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है, और ये आपके रांची में जो पलांडू स्थित जो सेंटर है वहाँ पे इनके उपलब्ध हैं। उसे पूसा पर्पल राउंड, पूसा ऋतुराज और अर्का नवनीत, कई तरह के प्रभेद हैं जो आसानी से आप चुनाव कर सकते हैं। और यदि बात की जाए हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में VNR की वैरायटी है, नूनहैम्स की वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जिसमें आप उसका चुनाव करके और उसको आप लगा सकते हैं। सर, इसके लिए सिंचाई की क्या करनी चाहिए और कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? इसमें ख़ास तौर पे हम लोग यदि बात करें ये खाद की, और ख़ास तौर पर गोबर की जो सारी खादें होती हैं जिसको हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर्स कहते हैं, और ये बहुत काफ़ी उपयोगी होते हैं। जब हम लोग इसके बिचड़े को डालते हैं पौधशाला में, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचा हम लोग पौधशाला बनाते हैं, और उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व को डालते हैं। जैसे गोबर की सरी हुई खाद 5 मीटर स्क्वायर फीट का हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हम लोग 5 से 7 किलो गोबर की सरी हुई खाद, खल्ली का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग नीम की खल्ली हो या करंज की खल्ली हो या सरसों की खल्ली हो, उनको देते हैं। इसके बाद उसमें कुछ दीमक की समस्या भी हो तो हम लोग इसके लिए रिजेंट ग्रेनुअल्स या रिजेंट अल्ट्रा थोड़ी सी मात्रा देते हैं। इसके बाद उसमें हम लोग कोई फफूंद नाशक डाल सकते हैं, जैसे वेबेस्टीन हुआ, एक लीटर पानी में 3 ग्राम मिला के और उस ज़मीन में हम लोग स्प्रे कर देते हैं, और इसके बाद थोड़ा DAP और MOP का व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो पौधशाला अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद बिचड़ा को हम लोग उपचार करते हैं, बीज उपचार करते हैं, तो ख़ास तौर पर वेबेस्टीन से हम लोग करते हैं। इसके लिए 1 kg बीज में 3 ग्राम वेबेस्टीन की आवश्यकता होती है, और यदि किसान भाइयों यदि कम मात्रा में आप यदि कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 ग्राम का हम लोग उपयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिनों के बाद सिंचाई करनी चाहिए। वैज्ञानिक बताते हैं कि बैंगन का पौधा काफ़ी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के बाद वह ज़मीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इससे बचाव के लिए रोपण के 25 से 30 दिन बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ानी अत्यंत आवश्यक होती है। इनको फिर हम लोग छांव में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर हम लोग उसको बीज को डाल देते हैं अलग अलग कुछ कुछ दूरियां पर, और फिर जब ये
25 से 26 दिन के हो जाते हैं पौधे, चार पत्ते के पौधे हो जाते हैं, तो फिर हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं और इनको खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले हो सके तो 20 से 25 क्विंटल हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर्स का व्यवहार करते हैं और यूरिया DAP का व्यवहार करते हैं। तो यूरिया में हम लोग देखा जाए तो 110 केजी पर हेक्टेयर और यदि MOP जो है वो 100 केजी पर हेक्टेयर के अनुसार हम लोग व्यवहार करते हैं। और इस इनको व्यवहार करने से पहले खेत की अच्छी तरह से हम लोग जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं और इसके बाद फिर उसको पाटा लगाते हैं और पाटा लगाने के बाद हम लोग फिर इसको एक निश्चित दूरी पर जो कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लेते हैं। मगर जितना यदि हाइब्रिड महंगा हो उसकी दूरी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार और इसको फिर आप लगा के और इसमें बीच बीच में आप ट्राइकोडर्मा पाउडर जो जैविक फफूंद नाशक है इसको आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम घोल बना के और पौधे के जड़ में आप इनको बीच बीच में डाल दें